हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको डॉक्टर अतुल मोहिनी, भीमराव अम्बेडकर, लुत्फुर रहमान और आर्यभट्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। सवाल नंबर एक, आपके निसाब में अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? डॉक्टर अब्दुल मोहिनी। सवाल नंबर दो, डॉक्टर अब्दुल मोहिनी कब और कहां पैदा हुए? इसमें देखिए दो सवाल है, कब एक सवाल आता है कि कब पैदा हुए, तो 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, और कहां पैदा हुए? औरंगाबाद, औरंगाबाद बिहार। सवाल नंबर तीन, डॉक्टर अब्दुल मोहिनी किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल किए? तो पहले तो मदरसा का नाम लिखना है, मदरसा शमसुल होदा। किस मदरसे में कहां तक तालीम हासिल किए, दो सवाल इसमें है। तो ये आलिम की डिग्री तक हासिल किए थे, आलिम की डिग्री। सवाल नंबर चार, डॉक्टर अब्दुल मोहिनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया था? तो ये अपने मुलाजमत का आगाज जो है पटना यूनिवर्सिटी से। सवाल नंबर पांच, अब्दुल मोहिनी के तनकीदी तसानी कौन कौन सी है? तो जातीय, जादे, एतेदाल, ये इनका तनकीदी तसानी है। जातीय एतेदाल, नुक्ताए नजर, नुक्ताए नजर, तश्कीले जदीद, तश्कीले जदीद, ये तीन इनकी तनकीदी तसानीफ है। सवाल नंबर छह, डॉक्टर अब्दुल मोहिनी की वफात कब हुई? इसमें देखेंगे कब और कहां हुई। तो कब का मतलब इसका हो गया कि इसका साल का नाम देना है, 5 सितंबर, 5 सितंबर 2006 ईस्वी में इनकी वफात जो है, 5 दिसंबर 2006 ईस्वी में, और कहां हुई? तो पटना में, पटना में वफात की है। अब मैं भीमराव अंबेडकर के बारे में बताने जा रहा हूं। भीमराव की पैदाइश कब और कहां हुई? इस तरह के सवाल जब भी आपको आएंगे तो मेरा पहला वीडियो जो तालिका बना हुआ है उससे भी आप याद कर सकते हैं। तो भीमराव की पैदाइश कब, तो 1891 ईस्वी में, और कहां हुई? महू सेंट्रल इंडिया में, महू सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए। सवाल नंबर दो, भीमराव के वालदैन का नाम लिखिए। वालदैन का मतलब होता है वालिद का भी और वालदा का भी। तो पहले वालिद का नाम आप लिख लेंगे। इनका नाम था रामजी मालूजी सतपाल, मालूजी सतपाल, ये इनके वालिद का नाम था, रामजी मालूजी सतपाल। उसके बाद वालदा का नाम लिखेंगे, वालिद का भी नाम और वालदा का नाम, दोनों नाम को क्या कहेंगे? जैसे वालदैन, वालदैन का मतलब माँ और बाप दोनों का नाम। तो वालदा का नाम था भीम बाई। तो आप समझ सकते हैं कि वालिद का नाम भी हम लिख दिए और वालदा का भी नाम लिख दिए। उसके बाद सवाल नंबर तीन, भीमराव के वालिद फौज में किस ओहदे से शुभदोष हुए? इसका मतलब हुआ कब वो रिटायर किए? तो ये जो है सूबेदार मेजर के, सूबेदार
मेजर के ओहदे से, ओहदे से ये रिटायर हुए। भीमराव को प्यार से किस नाम से पुकारा जाता था? तो भीमराव को भीमा लोग कहते थे, प्यार से क्या कहा जाता था? भीमा कहते थे। सवाल नंबर 5, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई? तो इनका शादी जो है मात्र 14 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, 14 साल की उम्र में। और किससे हुई थी? तो रामाबाई इनकी अहलिया का नाम था, यानी इनकी बीवी का नाम था। तो भीमराव की शादी किस उम्र में था? 14 साल की उम्र में। और किससे हुई? तो रामाबाई से हुई। सवाल नंबर 6, बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो एलिफेस्टन कॉलेज में, एलिफेस्टन कॉलेज में ये दाखिला लिए 1912 ईस्वी में। तब लिए 1912 ईस्वी में। लेकिन सवाल पूछ रहा है बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो आप सिर्फ एलिफेस्टन कॉलेज ही लिखेंगे। इसके बाद आपको लुत्फुर रहमान, ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में मैंने बता दिया है, अब लुत्फुर रहमान के बारे में देखिए। अब मैं लुत्फुर रहमान के बारे में बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1, आपके निसाब में लुत्फुर रहमान की कौन सी मजमून है? उर्दू ड्रामा, निगारी और आगा हश्र, और आगा हश्र। लुत्फुर रहमान का यही मजमून आपके निशान में शामिल है। सवाल नंबर 2, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो 1941 ईस्वी में। मैंने मेरा पहला वीडियो में भी मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है, उसको भी ध्यान से आप पढ़ लेंगे ताकि इस सवाल में आपको कहीं परेशानी नहीं हो। तो 1941 ईस्वी में बनियारपुर जिला छपरा में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 3, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर और एमएलए रहे? तो ये सियासतदान भी थे और राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल में वजीर और एमएलए रहे, ये सियासत से जुड़े हुए थे। लालू प्रसाद यादव के पार्टी से ये जुड़े हुए थे, उनके रीजन में ये मंत्री बने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से। सवाल नंबर 4, लुत्फुर रहमान के वालदैन का नाम बताइए। देखिए वालदैन का मतलब फिर वही आ गया कि वालिद और वालदा का नाम, तो पहले वालिद का नाम लिख लेंगे और यहाँ वालदा का नाम लिखेंगे। तो वालिद का नाम था मौलवी अब्दुल गफूर। क्या नाम था इनके वालिद का? मौलवी अब्दुल गफूर। और वालदा का नाम था बीबी आमना खातून, याद रखेंगे बीबी आमना खातून। नंबर 5, लुत्फुर रहमान के शेरी मजमुए का नाम लिखें। शेरी मजमुए का जो है ताजगी बरनवा है, ताजगी बरनवा इनके शेरी मजमुए का नाम है। ये शायर भी थे, इसलिए उन्होंने बहुत सा शेर को एक किताब के शक्ल में मतलब सब शायर करवाए, जिसको शेरी मजमुआ कहा जाता है, उस किताब का नाम है ताजगी बरनवा। सवाल नंबर 6, आगा हश्र के ड्रामों का नाम क्या है? तो आगा हश्र के बहुत से ड्रामा है, जिसमें से सबसे मशहूर रुस्तम व सोहराब, यहूदी की लड़की, ये सब जो है आगा हश्र के मशहूर ड्रामा है। और एक है खूबसूरत बला, ये आगा हश्र के ड्रामा बहुत ही मशहूर है। अब आते हैं नंबर 7 पे, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है, यानी ड्रामा
के लिए सबसे स्टेज स्टेज जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। स्टेज अगर स्टेज नहीं होगा तो ड्रामा नहीं होगा, इसलिए ड्रामा का तकमील यानी शुद्ध तकमील का लाजमी अंसर जो है स्टेज का होना बहुत ही जरूरी है। आज का टॉपिक अब आर्यभट्ट पर जाके खत्म होता है। नंबर सवाल नंबर एक, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? इसका जवाब होगा खगौल। पटना में। सवाल नंबर दो है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागार कहाँ कायम किया यानी प्रयोगशाला वो कहाँ बनाए? तो तेरेगना में। तेरेगना में। सवाल नंबर तीन, हिंदुस्तान में गुप्त आहार को कैसा दौर कहा जाता है? तो यह सुनहरा दौर कहा जाता है, सुनहरा दौर। सवाल नंबर चार, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? तो ये गुप्त अहद से था, गुप्त अहद से। सवाल नंबर पांच, आर्यभट्ट ने किस सैजना की रुमाई रहनुमाई की थी? पाइथागोरस, पाइथागोरस ये भी सैजना थे। तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस सैजना जो थी उनको उनकी रहनुमाई किया था। और आज का जितने भी टॉपिक है डॉक्टर अब्दुल मोगनी, भीमराव अम्बेडकर, लुत्फुर रहमान और आर्यभट्ट, इस चारों टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सके। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। खुदा हाफिज़।